प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के सपने को साकार करने के लिए हमीरपुर जिला के नेरी स्थित ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पिछले 1.5 दशक से शोध संस्थान में इतिहास संस्कृति के लिए निरंतर काम करते हुए इतिहास लेखन की परंपरा को संजोने के लिए संस्थान में सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते देश भर से शोधकर्ता संस्थान में आकर शोध कार्य में जुटे हुए हैं। साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एकता के सूत्र में बांधने के लिए निरंतर शोध संस्थान में एक संस्कृति एक भारत के ध्येय के चलते काम किया जा रहा है। शोध संस्थान में हजारों पुरातन समय की किताबों का पुस्तकालय के साथ दुर्लभ कलाकृतियों को संजोकर रखा गया है। आपको बता दें कि ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी हमीरपुर में साल भर विभिन्न विषयों पर संगोठियों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें उत्तर भारत के अलावा दूसरे राज्यों के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा हिस्सा लेकर भारतीय एकता अखंडता और संस्कृति के आदान प्रदान से लेकर दूसरे विषयों पर चर्चा होती है, ताकि भारत के गौरवमयी इतिहास के साथ आगे बढ़ते हुए काम किया जाए। ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी हमीरपुर के संचालक चेतराम गर्ग ने बताया कि शोध संस्थान के द्वारा बखूबी से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कड़ी में काम करने में लगा हुआ है और संस्थान में शोधकर्ताओं के द्वारा पुराने इतिहास में पूरे विश्व में गौरव में इतिहास रहा है और शोध संस्थान नए इतिहासकार व लेखन गोष्ठियों के माध्यम से स्पष्ट मूल्यांकन करके बेहतर काम करने में जुटा हुआ है। माननीय ठाकुर राम सिंह जी जो अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और बाद में जो राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर शोध संस्थान बनाने की जो योजना थी, उसी योजना के अंतर्गत यह हिमाचल प्रदेश में उत्तर क्षेत्र का इतिहास की दृष्टि से शोध संस्थान का निर्माण हुआ। शोध संस्थान की गतिविधियां गत 15 वर्षों से लगातार चली हुई है, जिसमें मुख्य उद्देश्य भारत का वास्तविक इतिहास तथ्य पर और विवेचनात्मक दृष्टि से जो ब्रिटिश काल में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा जिस इतिहास का डिस्टॉर्शन किया गया, मिथ्या सिद्धांत गढ़े गए, उस सारे का अध्ययन और चिंतन करके कि वास्तविक इतिहास भारतवर्ष का क्या है, उस दिशा में इस शोध संस्थान ने इतिहास के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। नए शोध विद्यार्थी यहाँ इस शोध संस्थान में आते हैं, जो हमारे यहाँ पर एक तो बहुत ही अच्छा पुस्तकालय है, अभिलेखागार है, संग्रहालय हैं और हमारी जो टोली है, टीम है, जो वैचारिक दृष्टि से जो काम करती और करवाती है, वो भी एक सुदृढ़ टोली हमारे पास है। उनके नेतृत्व में ये सारा काम चलता है, जो देश के लिए वर्तमान समय में हम अगर उत्तर भारत के क्षेत्र की दृष्टि से कहें तो हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ हमारा MOU है, ऐसे ही शिमला विश्वविद्यालय के साथ भी हमारा MOU है और उत्तर क्षेत्र के विश्वविद्यालय के जो नए छात्र हैं वो हमारे जो धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, हमारे राष्ट्र का चिंतन क्या है, इतिहास के साथ किस प्रकार की हमारे साथ जो है छेड़छाड़ हुई है, उस सारे का निराकरण करना और वर्तमान दृष्टि को देखते हुए और भारत के भविष्य के निर्माण की दृष्टि से यह शोध संस्थान बहुत व्यापक और तथ्य पर कार्य कर रहा है। चेतराम ने बताया कि पिछले 15 सालों से शोध संस्थान के द्वारा काम किया जा रहा है और उत्तर क्षेत्र के इतिहास के संकलन को लेकर संस्थान का निर्माण किया गया था और संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत के इतिहास को तथ्यात्मक दृष्टि से झूठे सिद्धांतों का पता लगाने के लिए काम निरंतर किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत माननीय मोदी जी का एक बहुत ही दूरगामी दृष्टि से लिया अपने सामने रखा गया लक्ष्य है। ये मात्र मोदी जी का लक्ष्य नहीं, ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है जो इस देश को दुनिया के अंदर जो हमारा एक पुराना एक इतिहास रहा है कि विश्व के अंदर जो है गौरवमय इतिहास रहा है, जो दुनिया को संस्कृति देता था, ज्ञान देता था, विज्ञान देता था, तो उस सारे को अगर हमने आगे उसी दिशा में और वहीं अगर उसको दोबारा पहुंचाना है और मोदी जी के नेतृत्व में ये सारा काम हो भी रहा है, तो
हमारा शोध संस्थान जो आज नए इतिहासकारों, नए लेखक, सोशल साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं, लगातार हमारे यहाँ जो गोष्ठियाँ हो रही है, हमारे यहाँ जो सेमिनार हो रहे हैं, जो उनके अंदर सारे विषय आ रहे हैं, तो वो एक स्पष्ट अंतर, जो एक मोटिवेटेड इतिहासकार थे, लेखक थे, जिन्होंने कुछ एक चीज़ों को बांध के रखा हुआ था, या जो अंग्रेजों से ही के प्रस्त थे, साम्यवादी विचार जो कहा जा सकता है, तो उसका वो स्पष्ट मूल्यांकन कर रहे हैं, आज उससे वो बाहर निकल रहे हैं और वो सत्य के साथ साक्षात्कार उनका हो रहा है, तो इस दिशा में नेहरी शोध संस्थान का एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृष्टि से नए युवकों में वो चिंतन जाना, ये नेहरी शोध संस्थान बखूबी से और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कर रहा है। इतिहासकार डॉक्टर राकेश शर्मा का कहना है कि भारत के इतिहास लेखन की परंपरा अति प्राचीनतम है, लेकिन संस्थान इस दृष्टि में बेहतर काम कर रहा है और भारतीय काल गणना से लेकर समाज से जुड़े हुए काम के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान गत 15 वर्षों से इतिहास संस्कृति के लिए निरंतर अग्रसर है, उस विषय में काम कर रहा है। चूंकि भारत की इतिहास लेखन और इतिहास की परंपरा अति प्राचीनतम है, जिसको केवल हम लोग कुछ सनों में समेट नहीं सकते, ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान मानव और प्रकृति के इतिहास के संदर्भ में कार्य कर रहा है। भारतीय कालगणना के संदर्भ में विशेष रूप से इस शोध संस्थान से कार्य जो है वो हुआ है। ग्रास लोगों से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, लगभग एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब हम बात करते हैं, तो पूरे भारत में 197 करोड़ वर्ष के इतिहास की चर्चा होती है। विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं, विभिन्न प्रकार की लोक गाथाएं हैं जो हमारे समाज में विद्यमान हैं, उनको संजोकर एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार पूरा भारत जो है वो एक है, पूरा भारत जो है वो एकता के सूत्र में बंधा रहा है और बंधा हुआ है और बंधा रहेगा। ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिमी भारत का जो कंसेप्ट है वो भारतीय इतिहास परंपरा में नहीं है। ये शोध संस्थान इस दिशा में निरंतर आगे जो है वो कार्य कर रहा है, ताकि हम लोग एक परंपरा, एक इतिहास और एक संस्कृति की बात जो है हम लोग कर सकें। DRDO से रिटायर्ड वैज्ञानिक भूषण मिश्रा ने बताया कि शोध संस्थान के माध्यम से ग्रास रूट से सामग्री को लेकर समाज को भेंट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समाज और संस्कृति को एक जगह पर लाकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिससे पूरे देश को लाभ मिल रहा है। संस्था जो है ये है, इसको अगर देखा जाए तो बेस जो काम है, ग्रास रूट से मटेरियल को लेना, उसको एक जगह रखना, संयोग उसको लाना और साइंटिफिक वे में उसको रिप्रोड्यूस करना और समाज को फिर देना, उसके लिए जो कमियां सामाजिक व्यवस्था में थी, जो हमारी संस्कृति में थी, जो हमारे व्यवहार में थी, उस सबको लेके एक जगह लाने के बाद उसके ऊपर बेस वर्क में काम करने के बाद जो यहाँ पर जो संस्था है उसने जो प्रोग्रेस किया है, कई हम तो इसके साथ जुड़े हुए हैं, आते रहते हैं, और इसकी लाइब्रेरी जो अगर इसको प्रेज किया जाए तो लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है, जिस पर लोग बच्चे जो हैं उसको यूज़ कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस उसमें गेन कर सकते हैं और उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी आइडियाज़ के साथ।